आइसक्रीम बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें एक कप दूध डाल देंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी भी डाल देते हैं, आप दो कप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब दूध को हल्का सा गर्म होने देते हैं। और अब हमने यहाँ पर लिया है एक टीस्पून कॉर्नफ्लावर, घर की चम्मच से ये एक चम्मच है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप एक टीस्पून मैदा या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इसका एक घोल बना लेते हैं हम और थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाते हैं और कंटिन्यू चलाएंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद ये अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो गया है, क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हम इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ये आइसक्रीम बिल्कुल वेनिला फ्लेवर की बनेगी। तो बिना मलाई के भी आप इस तरह से मलाई वाली दूध वाली आइसक्रीम बना सकते हैं बिल्कुल कुछ ही इंग्रेडिएंट से। तो अच्छी तरह से इसे अब हम थोड़ा सा थिक होने देते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। एक मिनट तक इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमने देखिए थिक कर लिया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, ये इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए, बहुत ही क्रीमी एकदम मलाई जैसे लगना चाहिए। तो चलिए इसे बंद कर लेते हैं और हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। बैटर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, मोड़ ले लेते हैं आइसक्रीम वाला और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कॉर्नफ्लावर गाढ़ा हो जाता है, उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो आप इस मिक्सचर को एक बार मिक्सी में चला लीजिए तो बिल्कुल इसी तरह से स्मूथ बन जाएगा। तो अब हम इसे डाल देते हैं हमारे आइसक्रीम मोल्ड में, बहुत ही क्रीमी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस लॉकडाउन में अगर आप चाहें तो बच्चों को इस तरह से बनाकर दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। तो हम सभी खांचों में भर लेते हैं, सभी मोल्ड अच्छी तरह से भर चुके हैं। तो अब इसमें हम क्लीनिंग रैप लगा लेते हैं, आप आइसक्रीम के ऊपर का ढक्कन भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से हमने देखिए इसे टाइटली कर लिया है। अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे, आप चाहें तो ढक्कन के ऊपर जो स्टिक होती वही लगा दीजिए। चाकू से अच्छी तरह से छेद कर देंगे, जिससे कि हमारी स्टिक अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। क्लीनिंग रैप लगाना जरूरी रहता है, जिससे कि इसमें कोई भी क्रिस्टलाइज ना हो, क्रिस्टलाइज होने से आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती है। तो बस हमने इसमें हल्का सा कट कर लिया है, अब इसमें स्टिक लगा देते हैं। आप आइसक्रीम मोल्ड के ढक्कन को भी लगा सकते हैं, बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें स्टिक लगा रही हूँ, जिससे कि देखने में बहुत ही सुंदर लगे। तो बस इसी तरह से हम सारे स्टिक इसमें लगा देते हैं। हमारी सारी आइसक्रीम स्टिक लग चुकी हैं देखिए, तो अब हम इसे रख देते हैं फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं ये देखिए, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम जम चुकी है बहुत ही इजीली, ये देखिए। और इसको आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है, तो इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने पर आप इस आइसक्रीम को निकालिए, यदि बहुत ज़्यादा जल्दी है तो गुनगुने पानी में हल्का सा एक बार डिप कर लीजिए और ये बहुत ही ईजिली निकल जाएगी। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो आप इसे नॉर्मल पानी में भी डिप करेंगे तो ये निकल जाएगी। तो हमारी मलाई कुल्फी बनकर तैयार है बिल्कुल ईजिली घर में रखी हुई सामान से। थोड़ा सा बादाम से मैं डेकोरेट कर रही हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी मलाई कुल्फी बिना मलाई के। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इसे खाकर आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर रसना ले लिया है, जो ये किसान का रसना आता है ना, वही वाला हमने लिया है ऑरेंज फ्लेवर का। तो हम इसे 2 ढक्कन ले लेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून। अगर आप इसको ज़्यादा फ्लेवर पसंद करते हैं और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी डाल देंगे, तो मैं यहाँ पर आधा कप पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। पिसी हुई चीनी से ये फटाफट से घुल जाएगी और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग बहुत ही मज़ेदार बनता है बिल्कुल मार्केट जैसे। तो अब हम इसमें डाल देंगे बिस्लरी का सोडा, तो बस हमें इसमें सोडा मिक्स कर देना है। 2 से 3 इंग्रेडिएंट में ये बिल्कुल मार्केट वाला मिरिंडा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इसे बनाकर बॉटल में भरकर रख लीजिए और जब भी आपका मन करे आप इसे पी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 बॉटल लिया है, ये बहुत ही इजीली मिल जाता है सोडा मार्केट में, आप लाकर इसे बना सकते हैं। तो मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से।
तो ये देखिए बिल्कुल 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट मिरिंडा बनकर तैयार है, बिल्कुल होममेड। तो आप इसे आइस क्यूब के साथ सर्व कीजिए, ठंडा ठंडा पीजिए। लॉकडाउन में इससे बेहतरीन रेसिपी शायद ही कोई होगी। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा घर का बना हुआ मिरिंडा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सिरप बना लेते हैं। तो आधा कप हमने यहाँ पर चीनी ले ली है और 1 कप हम पानी डाल देंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए किसी भी तार की चाशनी नहीं चाहिए हमें, बस इसका घुलने का इंतज़ार करना है। इसे महीनों तक स्टोर करने के लिए हम इसमें साइट्रिक एसिड डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। साथ ही हम इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो बस हल्का सा चिपचिपी वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। तो हम इसमें डाल देंगे साइट्रिक एसिड, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारी चाशनी बहुत ही अच्छी तरह से घुल गई है। इस तरह से आप बनाकर किसी भी बर्नी में भरकर फ्रिज में रख लीजिए। ये महीनों तक ख़राब नहीं होती है, ये 6 महीने तक बहुत ही इजीली चल जाएगी। लेकिन आप इसको ताज़ा ही बनाएं, मतलब 1 महीने के लिए स्टोर करके रख लीजिए और फिर जब आपको चाहिए हो तब आप बना सकते हैं। इस तरह से आपकी सिरप बनकर तैयार हो गई है। अब इसे ठंडा कर लेते हैं, हमारी शुगर सिरप तैयार हो गई है। शुगर सिरप हमारा ठंडा हो गया है और 2 गिलास में हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब 1 गिलास के सिरप को हम काला खट्टा बनाएंगे। तो इसमें हमने भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, चाट मसाला डाल देंगे, बिल्कुल 2-2 पिंच ही हमने डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिरप नहीं है हमारा। काला नमक डाल देंगे, जितना चटपटा जितना तीखा आपको काला खट्टा का फ्लेवर पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। जब हमारा गोला बन जाएगा उसके ऊपर से भी आप चाट मसाला थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। तो अब हम इसमें काला खट्टा का कलर डाल देंगे जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी ये मिल जाता है। और अगर आपके पास काला खट्टा ना हो तो अपना मनपसंद कलर आप इसमें डाल सकते हैं। साइट्रिक एसिड से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए टेस्ट की कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बिल्कुल 1/4 टीस्पून ही हमने इसमें काला खट्टा कलर डाल दिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसमें। तो हमारा काला खट्टा फ्लेवर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ईजिली हमने घर पर तैयार कर लिया इसे। ऑरेंज फ्लेवर का बनाने के लिए हम केवल इसमें ऑरेंज फ्लेवर ही डालेंगे, ऑरेंज कलर डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा ऑरेंज कलर का सिरप तैयार हो गया है। इसी तरह से आप अपने मनचाहे कलर के सिरप बनाकर बॉटल में भरकर फ्रिज में रख दीजिए और महीनों तक इसको इंजॉय करिए। गोला बनाने के लिए हमने आइस क्यूब जमा लिए हैं। अब एक मिक्सर जार ले लीजिए, इसके लिए कोई भी गोला मेकर की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको कंटिन्यू मिक्सर में चला लीजिए, बार बार हाथ टच ना करें और बस हाई टू मीडियम इसकी जो बटन होती है उसमें चलाइए और बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में इसको कर लीजिए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो गया है, हाथों से इसे टच ना करें। अब एक किसी भी ग्लास को ले लीजिए, डिस्पोजल ले लीजिए और बस हाथों से या चम्मच से आप इसमें थोड़ा सा डालिए। ये देखिए यहाँ पर मैं आइसक्रीम स्टिक लगाऊंगी, अगर आपके पास वो ना हो तो आप स्पून भी लगा सकते हैं, छोटी बड़ी जो भी हो आपके पास। और इसमें अच्छी तरह से ये गोला लगा लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आइस हमारी क्रश हो गई है, बिल्कुल घर में रखे हुए सामान से ही हम इस गोले को तैयार कर रहे हैं। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ईजिली तैयार हो जाता है। आइस क्यूब एक बार में बहुत सारी ना डाल दें, नहीं तो फिर वो क्रश नहीं होंगी। और यदि उसमें गुठलियाँ पड़ गई हैं या फिर उसमें एक आध चंक्स बच गए हैं तो उन्हें अलग कर दें और इस तरह से दबा दबा कर देखिए इन्हें प्रेस करके अच्छी तरह से गोला का शेप दे दीजिए। आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसमें इसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए प्रेस करके हमने इसे सेट कर लिया है बहुत ही इजीली। तो बस हमारा गोला बनकर तैयार हो गया है। अब हमारे सिरप भी तैयार हो चुके हैं। तो बस आप एक बार सिरप बना लीजिए और जब चाहे तब आप गोला बनाकर खाइए। तो देखिए देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है ना, बिल्कुल मार्केट वाला जो ठेले वाला मिलता है बिल्कुल उसी तरह का गोला बनकर तैयार हो गया है हमारा। तो आप भी इसे अपने मनचाहे फ्लेवर में बनाइए, जैसा चाहे वैसा बनाइए। तो हमारा काला खट्टा फ्लेवर बनकर तैयार है। आप इसके ऊपर चाट मसाला लगा लीजिए थोड़ा सा, तो बिल्कुल और भी चटपटा हो जाएगा। वैसे ही ये बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा सा इसमें मैं ऑरेंज फ्लेवर और डाल दे रही हूँ। तो हमारा काला खट्टा गोला तैयार है। इसी तरह से हम ऑरेंज फ्लेवर के भी बना लेंगे। आप अपने मनचाहे कलर डालकर अपने मनचाहा गोला बना सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं।
तो ये देखिए, एक बार सिरप बनाकर फ्रिज में रख लीजिए और बस आइस जमा लीजिए और मिक्सर से ही इस तरह के गोले बनाकर तैयार कर लीजिए। अब हम यहाँ पर दो डिस्पोजल गिलास ले रहे हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए। तो ये देखिए, इसमें भी बहुत ही ईजिली बन जाएगी। एक बार में आप सिरप बना लीजिए, इस तरह से आप भर लीजिए और बस अपने बच्चों को दीजिए, खुद भी एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको भी गोला खाना बहुत ही पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अच्छी तरह से प्रेस कर दिए, देखिए कलर डाल दीजिए और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड ना हो तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मार्केट वाला गोला। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मिलती हैं आपको। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।